हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 8.2 चल रही है, जिसके हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एग्जांपल्स कुछ सॉल्व कर लिए थे 9 तक, बट देखो उसमें कुछ लोगों को है, उसमें जो अपन ने क्या निकाले थे लास्ट में, हमें इंटरवल निकालने थे ना, तो उसमें कौन सा साइन कैसे लगता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो देखो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम एक नया तरीका सीखते हैं, नंबर लाइन के यूजेस से हम क्या करेंगे, उनमें ये पता लगाएंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है। तो जो एग्जांपल 9 हमने कल किया था ना, उसे मैं एक बार फिर से दोबारा कराता हूँ और एक दूसरे पैटर्न से, एक दूसरे तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, जिससे और इजी हो जाएगा कि उसमें कैसे उसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि कौन सा क्या इंटरवल है, कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है। तो देखो अपने पास फंक्शन था 9 में माइनस 2xq प्लस 3x² प्लस 12x प्लस में 25। अब हमें इसका क्या निकालना है, f डैश x। ठीक है, तो देखो ये तो हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 6x और ये होगा 12। यही है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो देखो हमें इसे क्या करना है, वही क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो देखो इसको हम पहले 6 बाहर ले लेते हैं, तो ये x² देखो माइनस है, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इनको सबको साइन चेंज कर दूंगा, ये पॉजिटिव होना जरूरी है। चाहे तो ऐसा करो, माइनस x क्या ले लो, बाहर ले लो। ठीक है, तो ये x² माइनस के x और प्लस के 2, इनके फैक्टर करना, कल मैंने आप लोगों को बता ही दिए थे इनके फैक्टर क्या होंगे, x+1 और x-2। ये क्या है, f डेस्क x। ठीक है, तो यहां से क्रिटिकल जो पॉइंट अपने आए, x बिलोंग्स टू क्या आए थे, -1 और 2, ये क्रिटिकल पॉइंट आए थे, यही थे ना। तो यहां तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, कि ये क्या आ गए, अपने क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इसके बाद ये पता लगाना था हमें कि कहां से कहां तक वैल्यू इंक्रीजिंग होगी और कहां से कहां तक वैल्यू डिक्रीजिंग होगी। तो हमने क्या किया था, वो ग्रेटर देन और लेस देन करके किए थे। ठीक है, हम उसकी जगह एक नई चीज से इसको हम सॉल्व करेंगे, वो है नंबर लाइन। क्या है, नंबर लाइन। तो देखो नंबर लाइन, नंबर लाइन आप लोगों को पता है, यहां मान लेते हैं एक पॉइंट है -1। ठीक है, तो 2 कहां होगा, 2 होगा इधर, पॉजिटिव नंबर इधर और नेगेटिव नंबर इधर। ठीक है, तो देखो -1 पर जो f डैश s है, क्या है, f डैश x, वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देते हैं। जैसे देखो यहां -1 पुट कर दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस और ये है -1, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 पे भी 0 होगा और किस पे भी 0 होगा, 2 पर भी 0 होगा, किस पर होगा, 2 पर 0 होगा। चाहो तो देखो ये अपना f डैश s का ना, यहां माइनस पुट कर दो, ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस। देखो यहां अगर हम 1 पुट करते हैं इसमें, ठीक है, ऐसी रफ कट करा रहा हूं, देखो -6 -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो यहां तो आ जाएगा -6, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये है प्लस का 12, कितना आ जाएगा, 0। अब ऐसे ही 2 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 2, तो देखो 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 2 प्लस 12 और प्लस के 12, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, 0। ठीक है ना, यानी कि -1 और 2 पर क्या है अपना f डैश s, 0 है, क्या है, f डैश s 0। ठीक है, तो अब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या निकालनी है, इंटरवल निकालना है, यानी वो कहां से कहां बिलोंग करता है। देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को छोड़कर
कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं या फिर इसमें या इसमें किसी में पुट कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि वैल्यू क्या आती है। जैसे देखो इन दोनों के बीच माइनस वन से और वन के बीच क्या है, कोई बहुत सारी वैल्यू है, जैसे वन भी है और जीरो भी है, ठीक है। तो हम क्या पुट करके देख लेते हैं, यहाँ एक है जीरो, इसके लिए चेक करके देख लेते हैं कि जो अपना एफ डेस्क एस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे देखो मैं जीरो पुट कर देता हूँ, जीरो तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, कितना बचेगा 12 बचेगा। ऐसे देखो ये जीरो और ये जीरो, लेकिन ये क्या है माइनस साइन है, क्या है माइनस। देखो वहां अगर पुट करने में दिक्कत है ना तो यहां पुट कर लो, देखो एक्स क्या पुट किया जीरो, तो ये प्लस वन और ये है माइनस टू, तो माइनस फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा। देखो मैं पुट करके दिखाता हूं, माइनस सिक्स जीरो प्लस वन और जीरो माइनस टू, कितना आया माइनस टू और यहां है माइनस सिक्स, तो कितना आ जाएगा प्लस के 12। यानी कि माइनस वन से और वन के बीच में हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जब पॉजिटिव आ गई ना तो ये कैसा होता है कंसेक्यूटिव होता है, ये अगर पॉजिटिव है तो यहां होगा नेगेटिव और यहां भी क्या होगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो इधर नेगेटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव वैल्यू और इधर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव कहां है माइनस वन से और टू के बिटवीन, जहां पॉजिटिव है ना वहां तो इंक्रीजिंग होता है और जहां नेगेटिव होता है वहां क्या होता है डिक्रीजिंग होता है। तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम नंबर लाइन, फ्रॉम नंबर लाइन क्या x belongs to माइनस वन टू टू, है ना। फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, कैसा होगा इंक्रीजिंग, क्योंकि माइनस वन से और टू के बिटवीन में क्या है पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से और माइनस वन तक, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक, फिर यूनियन नेगेटिव कहां है टू से और इन्फिनिटी तक, किससे टू से और इन्फिनिटी तक, ठीक है। और अपना देखो जो अपने कल किया था ना उसमें भी आंसर सेम यही था। तो यहां क्या होगा, फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू दिस और फंक्शन होगा अपना कैसा डिक्रीजिंग, कैसा होगा डिक्रीजिंग। तो ये मेथड भी सही है, बस ये नंबर लाइन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो ये समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब हम क्वेश्चन इसी नंबर लाइन से ही सॉल्व करेंगे, इजी होता है। बस हमें पता है क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना उसका मतलब वहां दोनों में एफ डैश एक्स क्या है जीरो है, क्या है एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो। तो उनके अलावा हम कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं, या तो इन दोनों के बिटवीन की पुट कर लो या इससे छोटी और इससे ग्रेटर। अब देखो टू से ग्रेटर पुट करते हैं, क्या करते हैं टू से ग्रेटर, वैसे तो हो गया समझाने के लिए बता रहा हूं, टू से ग्रेटर कोई भी वैल्यू। देखो टू से ग्रेटर का मतलब पता है क्या है, ये नंबर लाइन है तो आगे यहां क्या होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 ऐसे है ना, ऐसा नहीं है कि आप 25 पुट कर दो, बस टू से कोई भी ग्रेटर वैल्यू, यहां टू से वैल्यू ग्रेटर पुट करो, ठीक है। तो देखो यहां पुट किया टू प्लस, मतलब यहां कर दो चलो थ्री पुट कर दिया, थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर, और यहां है थ्री माइनस टू कितना है वन, बट यहां वैल्यू क्या है नेगेटिव सिक्स, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, कैसी वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, आ गई ना समझ में। तो और माइनस वन से छोटा करके देख लो, देखो माइनस वन से छोटा करोगे ना यहां, तो यहां आएगा प्लस और यहां आएगा माइनस, देखो माइनस वन से छोटी तो वन और माइनस वन से छोटी यहां, तो ये माइनस 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 और ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, कहां से माइनस वन से छोटी रखेंगे। तो माइनस वन से छोटी का मतलब पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा छोटी रख दी, बस ज्यादा से ज्यादा क्या होती है पॉइंटों में कोई नंबर, क्लियर। तो यहां पहले से ही क्या है वन है, ठीक है, तो यहां है प्लस माइनस और ये हो जाएगा माइनस। तो देखो ये है नाइन्थ मैंने दोबारा से करा है, अब मैं ट्वेल्थ को फिर इसी तरीके से कराऊंगा और अच्छे से समझना, नंबर लाइन से ज्यादा इजी होगा।
देखो जो टेंथ है वो है फाइंड द इंटरवल फंक्शन अपने पास दिया गया है एग्जाम्पल टेन एफ एक्स इक्वल्स टू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और हमें चेक जो करना है वो दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू कहाँ जीरो से और पाई के बिटवीन ही हमें चेक करना है कहाँ से कहाँ चेक करना है जीरो से और पाई के बिटवीन ठीक है सबसे पहला काम है क्या करेंगे हम एफ डैश एस फाइंड करेंगे ना तो देखो साइन एक्स तो होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स ठीक है अब हमें क्या करना है पॉइंट निकालना है क्रिटिकल पॉइंट तो देखो इक्वल्स टू जीरो तो किसी कोई क्या कर दो ट्रांसफर कर दो जैसे देखो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स क्या हो गया साइन एक्स ये इधर आ जाएगा तो माइनस कॉस एक्स तो अब देखो या तो इसमें क्या कर दो साइन से डिवाइड दे दो या कॉस से डिवाइड दे दो ठीक है तो हम क्या करते हैं कॉस से डिवाइड दे देते हैं बोथ साइड लिख देना डिवाइडेड वाई कॉस एक्स ठीक है तो देखो कॉस एक्स से डिवाइड देंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स और यहां आ जाएगा माइनस वन तो अब देखो यहां से जो x की वैल्यू है देखो ये जो माइनस वन है ना ये माइनस वन टेन में क्या होता है देखो टेन पाई माइनस पाई वाई थ्री क्योंकि देखो ये ऐसे पाई वाई थ्री है ना नेगेटिव कहाँ होगा यहीं तो होगा तो पाई माइनस पाई वाई थ्री पाई माइनस पाई वाई थ्री का मतलब पता है क्या होता है टेन इसको सॉल्व करो पाई बाई फोर होता है सॉरी कितना होता है पाई माइनस पाई बाई फोर क्योंकि वन तो क्या होता है पाई बाई फोर ही तो होता है भाई माइन वन क्या होता है पाई बाई फोर यानी कि टेन फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फाइव वन होता है तो नेगेटिव है तो इसलिए पाई माइनस पाई बाई फोर तो ये हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर ठीक है तो यहां से जो एक्स देखो इसको अगर मैं टेन क्या रख दूं इसको अगर चाहो तो देखो यहाँ वन है ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन एक्स इक्वस टू टेन थ्री पाई बाई फोर इसकी वैल्यू माइनस वन ही होगी ठीक है तो टेन से टेन कैंसिल तो एक्स इक्वस टू क्या आ गया थ्री पाई बाई फोर और ये अपना क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट ठीक है तो अब देखो नंबर लाइन पर किस पर नंबर लाइन पर ये एक नंबर लाइन है यहां है कोई भी थ्री पाई बाई फोर और यहां एफ एक्स एफ डैश एक्स इक्व टू क्या है जीरो है भाई इस पे ही तो हमने जीरो फाइंड किया अगर हम थ्री पाई बाई फोर यहां और थ्री पाई बाई फोर यहां रख दें दोनों जगह पुट करो देखो कॉस थ्री पाई बाई फोर और साइन थ्री पाई बाई फोर जीरो ही होता है नहीं होता साइन एक्स कॉस एक्स ठीक है ना तो वो एक ही बात है दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो एक्स पे तो वैल्यू है जीरो अब देखो इधर की तरफ चलेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो भाई इसकी तरफ जीरो और देखो ये है थ्री पाई बाई फोर यानी कि पाई से छोटा है तो इधर क्या आ जाएगा पाई क्या आ जाएगा पाई तो अब एफ डैश एस में देखो ये है एफ डैश एक्स तो ये इक्वल्स टू जीरो हमें इसके एक अलग उसमें करना पड़ता है ये तो केवल क्या है डेरिवेटिव है ठीक है ना चाहो तो एक अलग स्टेप में यहाँ ऐसे कर सकते हो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वस टू जीरो ठीक है तो एफ डैश एस यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं जीरो क्या पुट करते हैं जीरो तो देखो कॉस जीरो क्या है कॉस जीरो और साइन जीरो तो साइन जीरो और कॉस जीरो ठीक है एक की वैल्यू वन और एक की वैल्यू होती है जीरो तो आता है पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव इधर आ गया अपने पास पॉजिटिव अगर इधर पॉजिटिव आएगा तो इधर आएगा नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव तो जीरो से और थ्री पाई बाई फोर तक तो अपने पास क्या है पॉजिटिव है क्या है पॉजिटिव और थ्री पाई बाई फोर से और पाई के बिटवीन क्या है नेगेटिव यानी इधर तो है इंक्रीजिंग और इधर है डिक्रीजिंग तो हम कैसे लिख देंगे फ्रॉम नंबर लाइन From number line
एफ डैश एक्स, ठीक है ना, या फिर ऐसा लिख दो फ्रॉम नंबर लाइन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 3π/4 फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है ना, और x belongs to 3π/4 to π या फिर π to 3π/4 जैसे भी आपको सही लगे, है ना, 3π/4 to π के बिटवीन फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कौन सा फंक्शन के इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या होगा और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या होगा। अब वो जितना भी प्रोसेस था ना वो सारा क्या हो गया, खत्म हो गया, हमें वो पुट करने की या ग्रेटर देन लेस देन करने की कोई जरूरत नहीं, केवल नंबर नंबर लाइन बनाओ, इन दोनों उसके बीच की या इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास, दोनों की वैल्यू आ गई। देखो जो पाई, अगर आप यूं सोच रहे हो कि पाई पे नेगेटिव कैसा है, देखो पाई यहां क्या होता है, जीरो, यहां होता है पाई बाई टू, और यहां होता है पाई, और यहां होता है 3π/4। ठीक है ना, देखो माइनस प्लस वाला कंफ्यूजन दूर करता हूं, यहां जो है कॉस तो होता है 1 और साइन होता है 0, 0 पर, तभी तो यहां कॉस 1 हुआ, कॉस तो हुआ 1 और साइन हो गया 0, बट जो यहां है पाई बाई टू पर यानी कि 90 पर साइन होता है 1 और कॉस होता है 0, और यहां यहां साइन तो होता है किस पर, इस पर कॉस होता है -1 और साइन होता है 0। देखो 0 पर तो कॉस क्या था, 1 था, बट पाई पर कॉस क्या है, -1 और ये है 0, और 3π/2 पर साइन -1 है और कॉस क्या है 0, क्या है 0। तो देखो पाई जब वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट, तो कॉस तो हो जाएगा -1 और साइन हो जाएगा 0, तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव, और जब हम 0 पुट करेंगे तो कॉस तो हो जाएगा 1 और साइन हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए ये आया पॉजिटिव। तो ये चीज़ मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप याद रखना कि जो 0 पर कॉस क्या होता है, 1 होता है और साइन होता है 0, कॉस 9π/2 पर है ना, यानी कि 90° पर साइन होता है 1 और कॉस होता है 0, और पाई पर यानी 180 पर कॉस होता है -1 और साइन होता है 0, और 3π/4 पर ये होता है साइन -1 और कॉस होता है 0। आ गई ना समझ में, ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 11, एग्जांपल 11 है, उसमें भी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स, हमें एक गिवन है, देखो अच्छा एग्जांपल है ये भी, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 - x² 1 + x², ठीक है, और हमें कहा है कि इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो सेम वही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें फाइंड करना है, और किससे फाइंड करेंगे, वही इसी मेथड से करेंगे हम, नंबर लाइन वाले से। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसमें रूल लगेगा, सबको पता है आपको, है ना, इसका तो हो जाएगा न्यूमिनेटर का तो हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसको तो एक बार ऐसे कैसे ही रहने दिया, x का डिफरेंशिएशन करेंगे होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, फिर साइन होता है माइनस का, x को अब छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे 1 + x², तो 1 का तो हो जाएगा 0, ठीक है, और x स्क्वायर का होता है 2x, x को तो छोड़ा,
वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर, x इंटू में 2x करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना x स्क्वायर, कितना हो जाएगा x, 2x स्क्वायर कर देता हूं इसको, ठीक है। अब देखो यहां फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा दो, इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट कराने की क्या है। देखो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 2x और 2x स्क्वायर, देखो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये तो है 1 और यहां तो ये 2x तो 2x ही है और यहां बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x और नीचे है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो माइनस साइन है तो ये माइनस लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक। तो देखो अब इसमें हम इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन तो सही है ना, x 1 प्लस में x स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर, फिर देखो इसको छोड़ा x का डिफरेंशिएशन किया, x को छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन किया, तो माइनस x और 2x, तो 2x into x 2x स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचना चाहिए, ये 2x कैसे बच रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो हम इसे और क्या सॉल्व कर सकते हैं कम्प्लीटली, वो सॉल्व करके देखते हैं एक बार। देखो थोड़ी सी गड़बड़ है, ये जो स्क्वायर है ना ये होल स्क्वायर थोड़ी है, ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ है होल स्क्वायर तो, पर ये तो ऐसा कैसा ही आएगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर, तो देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ जो है ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको छोड़ा x का डिफरेंशिएशन किया 1, फिर x को छोड़ा, देखो इसमें मैंने डायरेक्ट किया है, यहाँ अगर हम देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अगर चाहो तो मैं पूरा करा देता हूँ, x को छोड़ा 1 का तो हुआ 0, इसका हो जाएगा कितना 2x, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये मैंने सीधा कर दिया था, अब इसको ओपन कर दिया। तो ये तो अपने पास क्या आ गया f डैश x, अब हमें क्या निकालना है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, तो हमें f डैश s बराबर क्या रखना है 0 पुट करना है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। अब मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0। तो जो यहां से देखो, अब मैं इस x 1 x को इधर ले जाओ चाहे 1 को इधर ले जाओ एक ही बात है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्लस माइनस 1, यानी कि अपने जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो क्या है माइनस 1 और 1 है, माइनस 1 और 1 कैसे आए तो समझ में आ जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्व टू 1 है तो x इक्व टू में प्लस माइनस 1। अब हम यूज करते हैं किसका नंबर लाइन का, किसका यूज करते हैं नंबर लाइन का, देखो यहां है माइनस 1 और यहां है 1, यहां पर भी f x इक्व टू 0 है और यहां पर भी f डैश x इक्व टू क्या है 0, तो माइनस 1 पुट कर दो चाहे 1 पुट कर दो 0 आएगा, देखो माइनस 1 पुट कर दोगे ना तो भी ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और अगर हम 1 भी पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 1 से और 1 की बीच की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, ऐसे ही करना है हमें
जो दो क्रिटिकल पॉइंट है ना उनके कोई भी जो बीच की वैल्यू है बिटवीन वन एंड माइनस वन वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, फिर देखते हैं जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, अगर ये नेगेटिव आएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जीरो पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं, किस में, इसमें। तो देखो जीरो पुट किया, ये हो गया जीरो, यहाँ बचेगा वन और ये भी हो जाएगा जीरो, यहाँ बचेगा वन, तो वन अपॉन वन वन। तो जैसे ही हमने जीरो पुट की अपने पास ये क्या आ गया, पॉजिटिव, तो ये कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव, और ये भी हो जाएंगे नेगेटिव। आगे बात समझ में, तो हम अब बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रॉम नंबर लाइन x belongs to माइनस वन से वन, माइनस वन से वन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अब देखो x कहां है, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और यूनियन, भाई यूनियन होता है वन से कहां तक, इन्फिनिटी तक, वन से इन्फिनिटी तक, कैसा होगा, डिक्रीजिंग, कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो ये अपने पास क्या आ गए, इंक्रीजिंग तो कब होगा, ठीक है, माइनस वन से वन के बिटवीन, और डिक्रीजिंग होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। आगे होगी, अब तो समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ होगा और डिक्रीजिंग कहाँ होगा, यही हमें बताना है। तो इस नंबर लाइन से समझना ज़्यादा ईजी है, अगर उसको आपने कल वाले में प्रॉब्लम आती है ना तो नंबर लाइन से समझ लेंगे। वैसे उस कल वाले में भी देखो अगर उसको सही से सॉल्व करना है ना तो उसमें भी क्या करना है, जो अपना एफ एक्स आता है ना उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको क्या करेंगे, ऐसे ही पुट करके चेक करेंगे ना, तो उनसे पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू तो पॉजिटिव है और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू नेगेटिव है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11 कम्प्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर अपना 12 है उसमें थर्ड पार्ट है, ठीक है ना, तीन क्वेश्चन है उसमें ना, वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो सिंपल सिंपल से ही है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना है 12 का फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 5, यही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 5। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं f डैश x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, x प्लस 1, क्या आ गया, x प्लस 1, वैसे तो ये हो गया f डैश x, तो बट हमें अब इसके क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट भी तो निकालना है, ठीक है, किसके लिए, 2x प्लस 1 के लिए। तो देखो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना, यहाँ से हम x की वैल्यू बिल्कुल इजी निकाल लेंगे, क्योंकि 2 को तो किस में कर देंगे, 0 में, अगर मैं इसको इक्व टू 0 पुट कर देता हूँ ना तो इस 2 को तो यहाँ भेज देंगे, तो x इक्व टू क्या आ जाएगा, सिंपल सा माइनस 1 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल सी आ गई, क्या, माइनस 1। और हमें करना क्या था इसमें, फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखो सी सिंपल सी बात है, माइनस वन आई है, तो माइनस वन पे देखो नंबर लाइन, माइनस वन पे, माइनस वन पे क्या है, एफ डैश एक्स इक्व टू है 0। तो देखो इधर और इधर कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, देखो इधर तो होंगी, इधर क्या आएगा आगे, 0, 1, 2 ऐसे ही होंगे, इधर -2, -3, -4 ऐसे होती है नंबर लाइन, ठीक है।
तो हम क्या पुट करके देख लेते हैं, जीरो पुट करके देख लेते हैं। देखो जैसे ही हमने जीरो पुट की, इसमें ही करते हैं एफ डैश एक्स में ही, ठीक है। एफ डैश एक्स तो अपने पास यही है, तो जीरो पुट की तो कितना आ गया प्लस टू, वन पुट की तो भी प्लस, जैसे ही नेगेटिव करेंगे तो देखो नेगेटिव पुट किया, नेगेटिव वन पे तो ये क्या हो जाएगा जीरो, टू पुट किया ना तो टू इंटू टू माइनस के फोर और प्लस टू, तो क्या आ गई नेगेटिव। तो देखो इधर तो आ रही है ये क्या पॉजिटिव और इधर आ रही है नेगेटिव, ठीक है। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तो है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव सॉरी, और माइनस वन से इन्फिनिटी तक क्या है पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ऐसे ही लिख देंगे जैसे अब तक लिखते आए कि फ्रॉम नंबर लाइन, जितना भी जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है उन दोनों की वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, माइनस एक तो आ जाएगा अपना, देखो फ्रॉम नंबर लाइन, फ्रॉम नंबर लाइन क्या होगा x belongs to माइनस, पहले पॉजिटिव वाला ही लिख लेते हैं, माइनस वन से इन्फिनिटी, ठीक है। फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है, और x belongs to माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्या होगा विल बी डिक्रीजिंग, ये हो गया अपने पास 12 का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड करते हैं, देखो एफ डैश एक्स हमें जो है वो दिया गया है टेन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स स्क्वायर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, टेन का तो हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस के ट्वेल्व एक्स और ये हो जाएगा माइनस के फोर एक्स, यही है। देखो कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन, कॉमन कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा थ्री या फोर, फोर भी आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का फोर, देखो ये एफ डैश एक्स तो हो चुका है, अब हम इसे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए और सॉल्व करते हैं। देखो माइनस फोर किया, यहां हो गया थ्री एक्स माइनस एक्स, ठीक है, एफ डेस्क एक्स इक्वस टू, अब इसको हम इक्वस टू कर देते हैं जीरो, तो माइनस फोर को तो चला जाएगा जीरो में, तो हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ बचेगा फोर एक्स कॉमन ले लेते हैं ना, क्या ले लेते हैं फोर एक्स कॉमन ले लेते हैं, अगर फोर भी कॉमन लिया तो क्या बचा, देखो थ्री एक्स माइनस एक्स बचेगा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा कितना 3 और यहाँ बचेगा 1, तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा, देखो इक्वस टू इसको 0 पुट करके देखते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0, 3x माइनस x इक्वस टू कितना हो गया 0। अगर मैं x को उधर भेज देता हूँ तो x इक्वस टू क्या होगा x अपॉन में 3, बल्कि हमें कोई भी एक क्या लाना है नंबर लेके आना है, क्या लेके आना है नंबर लेके आना है ना, x अपॉन 3 से काम नहीं चलने वाला। तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं, पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ये सॉरी x है, कितना है x, तो यहाँ केवल आएगा 6x, है ना, ये स्क्वायर नहीं है केवल 6 है,
तो यहाँ से कॉमन अपन लेंगे कितना, माइनस के टू, तो बचेगा थ्री माइनस के टू एक्स इक्वस टू जीरो। अब इसको जीरो कर देंगे तो थ्री इक्वस टू कितना हो जाएगा, टू एक्स, तो जब एक्स इक्वस टू कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन टू, यहाँ होगा प्लस और ये होगा माइनस के, माइनस टू कॉमन लिया, थ्री प्लस के टू एक्स, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो इसका उधर डिप कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस चला जाएगा, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x इक्वस टू होगा माइनस के थ्री अपॉन टू। ये है अपने पास क्रिटिकल पॉइंट। क्या है क्रिटिकल पॉइंट, यानी इस पर अगर हम इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो पुट करके देखो, माइनस सिक्स माइनस फोर, एक्स की जगह पुट करते हैं कितना, माइनस थ्री इंटू टू, ये कैंसिल हुआ कितनी टाइम, टू टाइम, तो माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स और माइनस माइनस प्लस के सिक्स, तो कितना आ गया, जीरो। ठीक है ना, तो नंबर लाइन से माइनस के थ्री अपॉन टू, यहाँ इस पॉइंट पर क्या है, एफ डैश एक्स जीरो है। तो देखो इससे इधर की तरफ और इधर की तरफ कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, देखो ये माइनस की है, अगर मैं यहाँ जीरो लेकर जीरो पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, जीरो पुट करता हूँ, तो देखो जीरो पुट करो, जीरो पुट करो, कहाँ, यहाँ, यहाँ जीरो पुट की ना, तो ये तो हो गया जीरो, क्या बचेगा, माइनस के सिक्स, क्या बचेगा, माइनस के सिक्स। तो इधर तो अपने पास आ रहा है नेगेटिव जीरो पुट करने पर, ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, देखो प्लस की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, वन पुट कर लो, टू पुट कर लो, थ्री पुट कर लो, ये नेगेटिव ही आएगा। बट जैसे ही हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, देखो नेगेटिव किससे बड़ी वैल्यू हमें पुट करनी होगी, देखो ये थ्री अपॉन टू है, थ्री अपॉन टू है, यानी कि ये नेगेटिव कितना है, वन एंड हाफ, तो इधर हम आएंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव टू, तो नेगेटिव टू पुट करते हैं, तो देखो नेगेटिव टू पुट किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का एट और माइनस सिक्स, तो कितना बचेगा, पॉजिटिव के टू, यानी कि उधर नेगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री अपॉन टू तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जब तो आएगा पॉजिटिव, और माइनस थ्री अपॉन टू से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो अपने पास आ जाएंगे। देखो फ्रॉम नंबर लाइन, फ्रॉम नंबर लाइन x बिलोंग्स टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री अपॉन टू, फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और x बिलोंग्स टू क्या, माइनस थ्री अपॉन टू से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज। ये हो गया 12 का पार्ट सेकंड, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी वैल्यू अब ऐसा है नहीं कि अब भी आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो देखो जो इसका थर्ड पार्ट है ना वो थोड़ा सा अलग है, उसको करने की कोशिश मत करना, वो मैं ही कराऊंगा ना। आप एक्सरसाइज में से अगर कर सकते हो तो कोशिश करना करने की, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें कुछ नया नई चीज़ आएगी, इसलिए उसे मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही, अगर ये समझ में आ गया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, थैंक यू।